हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन। आज मैं बनाऊंगी लोबिया और आलू की सब्जी। फ्रेंड्स, मैं इस सब्जी को सिर्फ 5 मिनट में आपको बना के दिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं लोबिया आलू की सब्जी बनाना। लोबिया और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए है 300 ग्राम आलू, इसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है, और 250 ग्राम मैंने लिए है लोबिया की फली, इसको मैंने काट के दोनों को अच्छे से साफ धो लिया है। सब्जी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल, और 1 छोटा चम्मच जीरा, और थोड़ी सी हींग, और मैंने इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, तो मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज़ किया है। तो ये मैंने 3 हरी मिर्च बारीक बारीक कट कर लिए हैं, और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच नमक। इस सब्जी को मैं कुकर में बनाऊंगी, और ये बिल्कुल कढ़ाई जैसी सब्जी बनेगी। तो कुकर मैंने रख दिया है गैस पे, और इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, तो मैं इसमें ये जीरा डाल देती हूँ, जीरा हमारा भुन गया है। मैं इसमें मसाले बाद में डालूंगी, पहले इसमें मैं सब्जियों को डालूंगी। एक बार चला देंगे। अगर आप इस सब्जी को इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल कढ़ाई वाला टेस्ट देगी। 5 मिनट तक हम इन सब्जियों को ऐसे ही भून लेंगे। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है, तो इन हरी मिर्च को इसमें डाल देंगे, टमाटर, और जो हमने मसाले लिए थे इन्हें भी डाल देते हैं। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ इसे भून लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गई है और सब्जी भी हमारी अच्छे से भून गई है और मसाले भी। तो हम ये कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और तेज गैस पर ही हम इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। और देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं और फली भी, खाने के लिए एकदम सब्जी तैयार है। तो इसे मैं कटोरी में सर्व कर लेती हूँ। हमारी सब्जी 5 मिनट में बनके तैयार है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।